जो इंसान अपनों की तकलीफ को अपने दर्द को नहीं बता पाता, उसी इंसान को ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। खुद को जलील करवाने का दूसरा नाम मोहब्बत होता है। मैंने अक्सर देखा है, शरीफ इंसान को लोग बेवकूफ़ ही समझते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया स्वार्थ से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दाव पे लगा दो, वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देता है। आजकल की मोहब्बत के कुछ यूं फसाने हैं, जो जितना झूठा है लोग उसके उतने दीवाने हैं। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है, जैसे ही ये आता है ना, तो फालतू के लोग आपकी ज़िंदगी से अलविदा हो जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। अब कोई उम्मीद ही नहीं है ज़िंदगी में, बस जो चल रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उन्हें समझना आसान नहीं होता। शुक्र है कि परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। कदर किया करो उन लोगों की जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ता टूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग पहचानते भले नाम से हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग ही आपको कोई ना कोई सही सीख देकर जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पे शर्मिंदा हूँ। कई बार आप किसी चीज़ की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वो एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता रहे, वो इंसान आपका अपना
कभी हो ही नहीं सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों के रहने से कई गुना बेहतर है।